एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे क्षेत्रफल और आयतन दोनों पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, एक आयत था, उस आयत की लंबाई में 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और उसकी चौड़ाई में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ पे 2% है, 1% में वृद्धि हुई है, दूसरे परसेंट में क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न देखिए तीन प्रकार से हल किए जा सकते हैं, तीन प्रकार से हल किए जा सकते हैं और तीन प्रकार से ये बनते भी हैं। कैसे, या तो दोनों परसेंट वृद्धि होगी या दोनों परसेंट कमी होगी, या एक वृद्धि होगी और एक कमी होगी, तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इनको कैसे हल करेंगे, हमने बताया था अगर साधारण परसेंट हो, प्योर नंबर हो, तो आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला यूज कर दो। तो नेट परसेंट का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, नेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, और अगर वृद्धि हो तो प्लस में लेना है और कमी हो तो माइनस में लेना, प्लस पाँच लेंगे क्योंकि 5% बड़ी है, और घटी है तो 10 माइनस के लेंगे। ठीक है, तो प्लस के 5 और माइनस के 10 बटे कितना 100, है ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5/10 कितना हो जाएगा 0.5, 5 में 10 गए माइनस के 5, तो माइनस के 5 और माइनस के 0.5, तो 5.5 माइनस के परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी। माइनस सिंबल ये बताएगा कि कमी हुई है, माइनस 5.5% आने का मतलब ये है कि 5.5% की क्या हुई है, कमी हुई है, माइनस सिंबल बताएगा कमी हुई है ना। दूसरा क्वेश्चन, एक खेत की लंबाई में 20% की बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, तो इसकी लंबाई जो है वो 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई जो है 10% घटाई गई, यानी 1% बढ़ा है 1% घटा है। ठीक है, तो जो परसेंट बढ़ा है वो प्लस में लेंगे, जो परसेंट घटा है वो माइनस में लेंगे, तो नेट परसेंट बराबर प्लस के 20 माइनस के 10 प्लस 20 गुणे माइनस के 10 बटे कितना 100, है ना, 00 से 20 कट जाएंगे, 20 में से 10 जाएंगे तो 10 और 2 एकम 2 तो माइनस के 2, कितना आ जाएगा 8%। अब ये प्लस में आया तो इसका मतलब ये है कि जो नेट चेंज इसमें आया वो 8% का क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, क्या होगी, 8% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ी तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए वर्ग में क्या है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी एक ही चीज दो बार लेना, यहाँ पे 1% दिया है क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसी परसेंट को हम दो बार करेंगे, तो 25% बढ़ी और 25% बढ़ी, यानी दोनों केस में हमें बढ़ाना है, तो नेट परसेंट क्या होगा, नेट परसेंट क्या होगा, प्लस के 25 प्लस के 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे 100, तो 25 50 हो जाएगा, 25 हम 625 बटे तो 6.25, तो ये कितना हो जाएगा 56.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या परिधि या व्यास, हाँ ध्यान देना, वृत्त की अगर हम बात करेंगे तो वृत्त की चाहे त्रिज्या बढ़ा लो, वृत्त की चाहे परिधि बढ़ा लो, चाहे वृत्त का व्यास बढ़ा लो, तो तीनों के परिधि त्रिज्या परिधि व्यास किस पे डिपेंड करते हैं, त्रिज्या पे डिपेंड करते हैं, तो जब त्रिज्या पे डिपेंड करते हैं तो कुछ भी त्रिज्या बढ़ाएंगे उतने ही परसेंट तो एरिया उतना ही चेंज आएगा, अगर जितनी परसेंट की वृद्धि त्रिज्या में हुई है उतनी ही परसेंट की वृद्धि परिधि में होती है, उतनी परसेंट की वृद्धि व्यास में होती है। मान लो ये सवाल जो है, अगर हम ऐसा बोले एक वृत्त की त्रिज्या 10% में, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, या एक वृत्त की परिधि में 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, या एक वृत्त की व्यास में 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, तीनों ही प्रश्न कैसे सेम है। ठीक है, क्यों सेम है, क्योंकि परिधि भी त्रिज्या पर निर्भर करती है, व्यास भी परिधि पर निर्भर करता है, व्यास भी त्रिज्या पर निर्भर करता है और हमारी परिधि भी त्रिज्या पर निर्भर करती है, इसलिए अगर कुछ भी बढ़ाएंगे तो 100% वो सभी चीजें सेम रेशियो में बढ़ती हैं, तो 10% की वृद्धि यानी 10% को हम दो बार लेंगे तो नेट परसेंट इज इक्वल टू 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21%, कितना हो जाएगा 21%, यानी कि जो क्षेत्रफल बढ़ेगा वो 21% बढ़ेगा, चाहे आप व्यास 10% बढ़ा लो, चाहे आप परिधि 10% बढ़ा लो, चाहे आप त्रिज्या 10% बढ़ा लो, हर केस में ये 21% ही बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया
तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने का प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो ठोस गोले का व्यास बढ़ा 10%, तो व्यास बढ़ेगा तब बढ़ेगा 20%, जबकि त्रिज्या 20% बढ़ेगी, क्योंकि त्रिज्या पर डिपेंड करता है व्यास, यानी व्यास 20% बढ़ा, त्रिज्या 20% बढ़ेगी। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr² होता है, यानी आर को दो बार लेना, 20% को कितनी बार लेना, दो बार लेना है। तो नेट परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20 गुणे 20/100, तो 20 = 40 और 2 × 2 = 4, यानी कि 44% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आयतन वाले प्रश्नों। अब हम देखने जा रहे हैं आयतन पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, जब हम आयतन वाले प्रश्नों को देखेंगे तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है कि कौन से परसेंट को दो बार यूज करना है, कौन से परसेंट को तीन बार यूज करना है, या फिर आपको जो 3D फिगर्स हैं उनके फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। जैसे मान लो आपसे विलयन का वॉल्यूम की चेंज की बात करेंगे, तो विलयन का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो इस फॉर्मूले में r की पावर 2 है, यानी त्रिज्या वाला जो परसेंट है वो दो बार यूज करेंगे, हाइट वाला परसेंट एक बार यूज करेंगे। जैसे बोला स्फीयर बोल दो, स्फीयर बोला उसने या गोला बोला, तो गोले का फॉर्मूला 4/3πr³। तो r कितनी बार यूज करना, ये कांस्टेंट टर्म है, r कितनी बार यूज करना है, तीन बार, यानी त्रिज्या वाली परसेंट को ही हम तीन बार यूज करेंगे। तो या तो आपको फॉर्मूले याद हो तो कौन सा परसेंट एक बार यूज करना है, कौन सा दो बार यूज करना है, कौन सा एक ही दिया हो तो तीन बार यूज करना है, ये वाली बात। या फिर अगर फॉर्मूले नहीं याद हो तो क्या स्थिति बनेगी, अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको क्या करना है, अगर प्रश्न में एक ही परसेंट दिया है तो उसी परसेंट को तीन बार यूज कर लो आप, या अगर 2% दिए हैं तो त्रिज्या वाली को दो बार यूज कर लेना, अन्य प्रतिशत को एक बार यूज कर लेना, और अगर 3% दिए हैं तो बात तो फिर सिंपल हो गई, कोई इसमें टेंशन की बात है ही नहीं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल देखिए, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यानी एक गोला है उसके व्यास में 10% की कमी की गई, तो भाई गोला जो है 3D बॉडी है ना, और गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³, यानी r को कितनी बार यूज करना, तीन बार। अगर नई फॉर्मूला याद है तो हमने आपको सिंपल ट्रिक बताई है कि अगर एक ही परसेंट दिया हो तो उसी को कितनी बार यूज कर लेना, तीन बार यूज कर लेना। अब तीन बार यूज करने का मतलब क्या है, तीन बार यूज करने का मतलब ये है कि 10% और 10% और 10%, तो इन 2% से पहले आपको 1% बनाना है, जो भी परसेंट आएगा फिर उस परसेंट और इस परसेंट से मिला के फिर 1% बनाना है, तब जाके आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। तो हमें इसी 10% को तीन बार यूज करना है ना, तो आप नेट परसेंट का फॉर्मूला यूज कर भी, हमने बोला था, हमने आपको इस तरह के सवालों को तीन ट्रिक बताई है, एक तो फॉर्मूला से या सौमान के या रेशियो मेथड से, तो तीनों तरीके आप यूज कर सकते हो। और हमने ये भी बताया था कि अगर परसेंट सिंपल हो, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला इजी पड़ता है ना। बाकी अगर परसेंट फ्रैक्शन में होता तो हम रेशियो यूज कर लेते। तो यहाँ पे जो हमने प्रश्न लिए हैं सारे सिंपल प्रश्न हैं, सिंपल परसेंटेज में है, तो आप क्या करो सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। तो 10% की कमी की गई, तीन बार हमें लेना है, तो पहली बार हम दो बार कमी लेंगे, है ना, दो बार 10% से कितना नेट परसेंट की कमी हो रही, तो माइनस माइनस कमी होती है तो माइनस सिंबल लेते हैं, तो -10 + -10 × -10 / 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, -10 - -10 - -20 और +1, तो ये आ गया -19%, यानी 19% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब इन दो बार 10% से 19% की कमी हुई, अब एक बार 10% और यूज कर लो 19 के साथ, तो नेट परसेंट चेंज आ जाएगा, तो -19 - 10 - 19 × -10 / 100, इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा -27.1%। अब माइनस सिंबल ये बताएगा कि 37.1% की क्या हो गई, कमी हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विलयन की त्रिज्या में 5% की बढ़ोतरी हुई है और 10% और ऊंचाई में 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यानी कि रेडियस भी 5% बढ़ी और ऊंचाई भी 5%, अब यहाँ पे 2% है, जब 2% है तो हमने बोला था कि रेडियस वाली परसेंट को दो बार यूज करना है, यानी कि 5, 5 और 10, तो इन 2, 5 से 1% बना लेना है, फिर इसको यूज कर लेना है, आपका नेट आंसर आएगा, है ना। या फिर इसका फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला बराबर क्या है भाई, इसका फॉर्मूला πr²h, यानी r वाली परसेंट को दो बार और हाइट को एक बार। ठीक है, चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए
नेट परसेंट बराबर, अब पहले पांच को दो बार लेंगे, बड़ी है तो प्लस पांच प्लस पांच प्लस पांच गुणे पांच बटे सौ, पांच पांच दस पचास पच्चीस, तो कितना आ जाएगा 10.25% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। फिर नेट परसेंट 10.25 और 10 के साथ फिर से बड़ी है तो 10.25 प्लस के 10 प्लस 10.25 गुणा 10 बटे कितना 100, तो ये कितना आ जाएगा 10 10 20 और 20.25 यही हो जाएगा 1.025, तो आपका आ जाएगा 21.275% की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, एक घन की भुजा में 10% की क्या हुई वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब ये वृद्धि हुई है, घन है एक ही परसेंट है तो तीन बार, या फिर घन का फॉर्मूला है भुजा का क्यू, यानी एक ही परसेंट को तीन बार लेना है, तो 10 10 और 10, इस दो 10 से 1% बनाओ आप, फिर उस परसेंट से 10% लगे फिर 1% बनाओ आप, तब जाके क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो नेट परसेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, तो कितना आ जाएगा 21%, है ना। फिर क्या करो, फिर नेट परसेंट से फिर आप एक बार और लगा दो फॉर्मूला, तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटे 100, तो कितना आ जाएगा 33.1% की क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10% 20% 10% की कमी की गई, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10% 20% 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या की गई है, आपकी कमी की गई है, क्या की गई है, कमी की गई है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन अब जो कि यहाँ पे 3% है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो पहले 2% को आप एक बार यूज कर लो, तो नेट परसेंट बराबर, अब चूंकि यहाँ पे कमी हुई है तो -10 -20 + -10 - 20 = 100, -10 - 20 कितने हो जाएंगे -30, डबल जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे तो -2 - प्लस हो जाएगा तो +2, तो कितने आएंगे -28%, है ना। फिर से नेट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो आप, तो कमी हुई 28% की तो -28 - -10 + -28 - 10 = 100, है ना, तो -28 - 10 कितना हो जाएगा -38, अब ये प्लस का हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, -2 - प्लस तो प्लस के कितने आ जाएंगे 2.8 आ जाएंगे, तो 38 में से आपको 2.8 घटाना है, 38 में से आपको 2.8 घटाना है, 10 में से 8 गए 2 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, तो कितना आ जाएगा आपका 35.2% की क्या कमी, माइनस साइन क्या बताएगा, कमी हो गई है। ठीक है, तो 35.2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की कमी हुई है और ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई है ना, यानी 2% में कमी 1% में वृद्धि, तो क्या करेंगे, तो फिर से वही चीज, नेट परसेंट बराबर, कमी हुई है तो -10 - -20 - -10 - -20 बटे कितना 100, जीरो से जीरो -2 - प्लस हो जाएगा तो -30 और + 2, तो कितना आ जाएगा -28%, ये क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला जो परसेंट है वो बड़ी, कितनी बड़ी भाई ये, ओफो यहाँ पे परसेंट नहीं लगा, चलो मान लो 10% बड़ी ऊंचाई, कितनी बड़ी 10% बड़ी, ठीक है 10% बड़ी, तो क्या होगा, तो नेट परसेंट बराबर -28 + 10 - 28 × + 10 = 100, है ना, तो -28 + 10 में से कितना बचेगा, ये -18 और जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आएगा -2.8, तो कितना आ जाएगा -20.8% की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चन को हल किया जाता है, तो इसमें बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इतना याद रखना, 1% दी हो तो तीनों बार वही यूज कर लेना है, 2% दी हो त्रिज्या को दो बार, बाकी दर को एक बार, और अगर 3 दी हो तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, हम आपको सिखाने जा रहे हैं आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना, देखो जब हम आय और व्यय वाले प्रश्नों की बात करेंगे तो जो हम पैसा कमाते हैं उसे हम आय कहते हैं, हमारी आय कितनी है ना, और आय के जो भी हमने पैसा कमाया
वो दो, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो उसका होता है खर्च, और जो पैसा खर्च करने से बच गया वो होती है हमारी बचत, है ना, शेष पैसा। यानी जो भी पैसा हमने कमाया या तो वो खर्च होगा या बचेगा, और कोई तीसरा उसका यूज नहीं है। ठीक है, अब खर्च कई एंगल से आप कर सकते हो, भोजन पे खर्च, शिक्षा पे खर्च, है ना, यात्रा पे खर्च, गहनों पे खर्च, तमाम चीज़ों पे खर्च, है ना, डोनेशन पे खर्च, तमाम चीज़ें, तो सारे चीज़ जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके खर्च में आ जाएंगे, है ना। बाकी जो पैसा बच गया अपने पास वो हमारी बचत है। यानी आय के दो भाग हैं, या तो खर्चा और साथ में बचत। तो खर्च और बचत को मिला लें तो क्या आ जाती है, आय। तो अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए छोटे छोटे सवाल लेते हैं, उन सवालों के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो हमने पहला प्रश्न लिया कि एक व्यक्ति है, उसकी आय मान लो 50,000 रुपया है। कितनी है? 50,000। एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपया है, वो 10% भोजन पे खर्च करता है, 20% एजुकेशन पे खर्च करता है, और 10% ट्रैवलिंग पे खर्च करता है। ठीक है, 10% भोजन पे, 20% शिक्षा पे, 10% यात्रा पे खर्च करता है। बताइए अंत में उसके पास कितने रुपए बचते हैं, बताइए अंत में उसके पास कितने रुपया बचते हैं। ठीक है, तो देखिए 50,000 रुपये वो कमाता है, 10% भोजन पे खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 90% पैसा बचेगा। अब इतना पैसा बच गया टोटल, अगर 20% शिक्षा पे खर्च कर दिया तो कितने परसेंट पैसे बचेंगे? 80% पैसे बचेंगे। अब ये पूरी उसकी सेविंग है। फिर उसने शेष का क्या करा, 10% यात्रा पे खर्च कर दिया, तो कितने परसेंट बचेंगे? 90% पैसे बचेंगे। तो अब इसमें जो आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, वही आपकी सेविंग होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इनका आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 5 × 9 × 8 × 90, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 × 8 = 40 और 9 × 9 = 81, है ना। तो 00, 4 × 4 और 4 × 8 = 32, यानी उसकी मासिक जो बचत है वो कितनी है, 32,400 रुपया है। ठीक, और प्रश्न लेते हैं। बोला एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 25,000 रुपया है। कितनी है? 25,000 रुपया है। वह 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, फिर शेष का 25% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। बताइए अंत में उसके पास कितने रुपए शेष बचते हैं। तो सेम तरीके से कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। 25,000 रुपये कमाई है, 20% किराए पे अगर उसने खर्च कर दिए तो कितने परसेंट पैसे बचे, तो उसके पास 25,000 के 80% बचे, अब इतने पैसे बच गए। अब शेष का 25% भोजन पे खर्च कर दिए तो कितने पैसे बच गए उसके पास, 75% बच गए। शेष का 50% शिक्षा पे खर्च किए तो कितने बचे, 50% पैसे उसके पास बच गए। तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 काट दो आप इसको, 1, 2, 3, 4, 5, ओ 6 0 नहीं है, तो यहाँ पे 1 0 आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है ना, अब इसको 2 से 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 2 9 10 और 2 4 8, अब बस गुणा कर दीजिए आप। ये 25 × 4 × 75, है ना, तो 25 × 4 = 100 और 75 तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 7500 रुपया। यानी उसकी जो मासिक बचत है वो कितनी है, 7500 रुपये है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, और प्रश्न लेते हैं, है ना। मान लो एक व्यक्ति की मासिक आय 1,00,000 रुपया है। कितनी है? 1,00,000 रुपये है। ठीक है,
और वो 5% पैसा मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष का 10% यात्रा पे खर्च करता है, शेष का 20% वो शिक्षा पे खर्च करता है। बताइए उसकी मासिक बचत कितनी है। तो बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न है। 1,00,000 रुपये कमाता है, 5% किराए पे देता है, तो 5% यानी 95% बच गया उसके पास, है ना। 10% यात्रा पे खर्च करा यानी 90% उसके पास पैसा बच गया। फिर 20% शिक्षा पर खर्च किया यानी कि 80% पैसा बच गया। 5 जीरो नीचे 6 जीरो हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 and 6 अब मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 95 × 9 × 80 तो ये क्या हो जाएगा आपका 95 9 8 72 720। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 95 × 720 तो 95 × 72 है ना। तो 5 × 10 = 0 हासिल आई, 1 × 2 = 18 और 1 = 19 7 × 35 = 5 हासिल आई, 3 × 7 = 63 66 तो 0 × 9 = 5 14 = 4 हासिल किया है, 1 × 6 = 7 और 1 = 8 6 कितना आंसर आ जाएगा 6 8 4 0 1 0 अपना एक्स्ट्रा था। तो 68,400 रुपये उसकी क्या हो जाएगी, मासिक बचत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कोई व्यक्ति महीने का आपका 20,000 रुपये कमाता है, कितना कमाता है 20,000 रुपये। अब ये कैसे खर्च करता है, उसने बोला कि 25% जो है ये करता है भोजन पे खर्च, शेष का 10% करता है गहनों पे खर्च, और शेष का 50% ये करता है मकान के किराए पे खर्च, मकान के किराए पे खर्च, और 2,000 रुपया ये अपने इसके अन्य खर्चे हैं। तो बताइए अंत में कितना बचता है। तो सेम प्रश्न है, 25% उसने भोजन पे खर्च करा, इसका मतलब 75% पैसा बचा गया। फिर 10% गहनों पे खर्च करा यानी शेष का 90% बच गया। फिर 50% खर्च किया शेष का तो 50% बच गया। अभी कितना बचा इसको सॉल्व करते हैं। 4 × 2 = 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 75 × 9 × 5 है ना, 5 × 2 = 10 × 75 × 9 तो कितना हो जाएगा, ये 9 × 5 = 45 की 5 हासिल किया है, 4 × 9 = 63 63 और 4 आपका हो जाएगा 67 तो ये कितना हो जाएगा 6,700 इतने बचे। अब इसमें से इसने 2,000 और भी खर्च कर अन्य खर्चे, तो 6,750 और माइनस के 2,000 तो आपका आज जो आंसर आएगा वो 4,750 रुपये यानी उसके पास जो अन्य शेष पैसे बचेंगे वो 4,750 बचेंगे। ये बिल्कुल साधारण प्रश्न थे। अब इन्हीं प्रश्नों में ये बीच में कुछ प्रश्न छुपा लेगा तो एक्स वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। तो वो वाले प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हमने आपको छोटे छोटे साधारण प्रश्नों को समझाया है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो